नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस के फैशन को लेकर दिए गए बयान का मामला भी थमा भी नहीं था कि अब शॉर्ट्स को लेकर उनका एक और नया बयान सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे श्रीनगर के कॉलेज का एक किस्सा सुनाते हुए एक छात्रा की शॉर्ट्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि मैं श्रीनगर में पढ़ता था तो चंडीगढ़ से एक लड़की आई, वो हमारे यहाँ की थी लेकिन चंडीगढ़ से आई थी। उन्होंने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप क्या बोलते हैं इसे, हाफ कट, पहली बार, नया नया। उन्होंने आगे कहा कि उसका उस दिन ऐसा मजाक बना क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, ऐसा करोगे तो क्या होगा। रावत ने कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हो और अपना बदन दिखा रही हो, क्या होगा इस देश का। हालांकि ये वायरल वीडियो कब का है यह साफ नहीं है, लेकिन उनके इस वीडियो की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। देखिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्या विवादित बयान दिया था। एक बार था, सीनियर जब पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी, माफ करना, थी पहाड़ की पर चंडीगढ़ की से आई, श्रीनगर आई, और उसके आप क्या बोलते हो, कट क्या बोलते, पहली बार नया नया, तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको कि बस आ गई बंबई से है? कोई क्यों, और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों, अरे बदन दिखा रहे हो। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को बाल संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था, मैं एक दिन हवाई जहाज से जयपुर से आ रहा था, मेरे बगल में एक बहन जी बैठी थी, मैंने उनकी तरफ देखा, नीचे बूट थे, जब और ऊपर देखा तो जींस घुटने से फटी थी, दो बच्चे उनके साथ में थे, महिला एनजीओ चलाती है, समाज के बीच में जाती है, क्या संस्कार दोगे। उनके फटी जींस को लेकर सामने आए बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई महिलाएं व राजनीतिक पार्टियां उन्हें घेर रही हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली ने भी ट्वीट पर बयान को लेकर आलोचना की है। वहीं हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो पिछले करीब 48 घंटे से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ट्विटर पर और फेसबुक पर टॉप ट्रेंड में है। ट्विटर पर अब तक करीब 40,000 से ज्यादा ट्वीट उनके बयानों को लेकर हो चुके हैं। वहीं फेसबुक पर भी हजारों की संख्या में पोस्ट की जा रही है। तीरथ के फटी जींस का बयान हैशटैग रिप्ड जींस ट्विटर और तीरथ सिंह रावत के नाम से ट्रेंड कर रहा है। वहीं फेसबुक पर भी हैशटैग रिप्ड जींस, रिप्ड पैंट, रिप्ड बॉडी और तीरथ सिंह रावत खबर लिखे जाने तक ट्रेंड कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर मचे बवाल के बाद उनकी पत्नी रश्मि बचाव में उतरी और उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की बात पूरे संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की जा रही। अपने बयान में रश्मि ने कहा कि मुख्यमंत्री रावत ने जिस पूरे संदर्भ में यह बात कही है उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। मिस मेरठ रह चुकी रश्मि ने कहा कि उन्होंने तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज और देश के निर्माण में अभूतपूर्व है, हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वह हमारी संस्कृति धरोहर को बचाएं, हमारी पहचान को बचाएं, हमारी वेशभूषा को बचाएं। वहीं भाजपा भी रावत का बचाव करती हुई नजर आई। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध अनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिधानों को लेकर जो राय जाहिर की वह भारतीय मूल और संस्कृति पर केंद्रित करते हुए थी। भाजपा के लिए मातृशक्ति का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम ने देश की भावी पीढ़ी के सामने भारतीय मूल्यों और विदेशी संस्कृति के दुष्प्रभाव पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए थे, यह हर भारतीय की चिंता भी है। सुबोध ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, जिसे जो अच्छा लगता है वो वैसा जीवन जी सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि रिप्ड जींस पहनने वाली महिलाओं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और इसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हो गई है।
एक और जहां सभी लोग मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कंगना ने अलग ही रिएक्शन दिया है। उन्होंने बाकी लोगों की तरह मुख्यमंत्री रावत की आलोचना नहीं की, बल्कि बात को घुमाकर कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है। कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें वह रिप्ड जींस पहने हुई है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को फैशन टिप्स भी दिए हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा, अगर आप रिप्ड जींस पहनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि इसमें कूलनेस उतनी ही हो जितनी इन तस्वीरों में है। इससे आपका स्टाइल झलके, ना कि ऐसा लगे कि आप एक बेघर भिखारी हैं और उन्हें अपने माता पिता से पैसा नहीं मिलता है। हालांकि आजकल ज्यादातर युवा इन दिनों ऐसे ही दिखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।